यार मैं बीनू राय एक बार फिर स्वागत करती हूँ अपने चैनल बीनू राय फैमिली में। तो आज की वीडियो में सबसे पहले तो मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ कि जो भी प्रॉब्लम आई है हम सब पे वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, भगवान जी जल्द से जल्द सबको नॉर्मल लाइफ में फिर से वापस ले आए। और बस इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, सभी लोग समझदार हैं, सभी लोग जितना हो सकते हैं प्रिकॉशंस ले रहे हैं और अपने आप को बचा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। और आज तो एकदम मन नहीं है कहने का कि लाइक करिए सब्सक्राइब करिए, और क्योंकि अभी आज हम दूसरे सिचुएशन में चल रहे हैं, इस टाइम पे पूरी दुनिया चल रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं कुछ बहुत अलग सी चीज़ नहीं बताने वाली हूँ आपको, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। अंतर सिर्फ इतना है मुझे बताना कि जो मास्क मार्केट में आते हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए हमने सबके लिए एक एक मास्क खरीद लिया, लेकिन मैं जब एक बार लगा लेती हूँ तो फिर जब भी उसको एक बार निकाल देती हूँ तो फिर मुझे दोबारा लगाने का मन नहीं करता, या फिर स्नीज आ गया, या फिर जैसे मुझे ऐसा लगता है कि 3 से 4 घंटे बाद मुझे थोड़ा सा वो अनहाइजीनिक लगने लगता है, 1 घंटे बाद ही कि कब से लगा है और फिर ये अनहाइजीनिक हो गया होगा। तो अगर उसके बदले हम कोई और ऑप्शन ले लें तो वो ज़्यादा मुझे लगता है कि बेटर है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं दिखा दूं आपको, अभी मेरे पास जितनी नई हैंकीज पड़ी थी मैंने वो भी सारी सब निकाल ली हैं और सबके लिए 2 से 3 जो है मास्क बना लिए हैं, क्योंकि ये हैंकीज से क्या फ़ायदा होता है, एक तो देखिए इसको खोल दिया हमने, ये बहुत पतला है, इसको हम 2 से 3 घंटे यूज़ करें मास्क बना के और फिर वॉश कर दें और सैनिटाइज कर दें, डेटॉल में डाल के डुबो के रख दें गर्म पानी में, और फिर इसको जल्द से जल्द ये सूख भी जाएगा और ये रिजनेबल भी है। अगर आपके पास अभी इस टाइम पे हैंकी भी नहीं है तो फिर मार्केट में ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है आपको, वो भी ऑप्शन में बता रही हूँ कि जैसे ये कॉटन का दुपट्टा है या फिर मलमल का दुपट्टा होता है, मलमल की जो धोती आती है जिनके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे धोती पहनते होंगे उनको पता होगा, वो ले लीजिए, वो हैंकी की साइज का काट लीजिए और बहुत बड़ा जो है मुझे लगता है कि एक दुपट्टे में 7-8 आ जाएंगे हैंकीज, और इससे आप चाहें तो पर हेड अपने फैमिली मेम्बर्स को 2 या 3 बना सकते हैं, और किसी भी मार्कर से या फिर पेन से जिसका है जो उस पर मार्क कर दीजिए, या उसके नाम का पहला जो है अक्षर यहाँ पे लिख दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर आपके पास हैंकी नहीं है तो भी आप कोई भी कॉटन का दुपट्टा ले लीजिए, मलमल का दुपट्टा, उससे आप बनाइए मास्क। कुछ नहीं करना, अभी आप कहेंगे कि मास्क बनाने की क्या ज़रूरत है, हम हैंकी बांध भी सकते हैं, पर जब हम हैंकी ऐसे बांधते हैं तो उतना कम्फर्टेबल नहीं होता है जितना कि मास्क लगाने से कम्फर्टेबल होता है। तो करना कुछ नहीं, आपको देखिए हैंकी ऐसे फोल्ड कर लेना है, और आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा, देख लीजिए ऐसे फोल्ड कर लिया, उसके बाद यहां से आधा कर लिया, देखिए ये आधे के निशान से करके यहां से फोल्ड करके यहां ले आइए, फिर यहां से फोल्ड करके यहां ले आइए। अब ये पता है कि यहां पे दोनों हाफ अप में बट गए हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास कोई भी रबड़ बैंड हो, ये जो अगर ऐसा है तो भी अच्छा है, ऐसा वाला है तो भी अच्छा है, अगर ये सब भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके घर में बच्चे स्कूल जाने वाले होंगे या फिर आपके पास खुद भी ऐसा रबर बैंड होगा तो ये भी चलेगा, कोई भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो, घर में बाहर खरीदने जाने की जरूरत नहीं है। जिनके घर में ये सब भी नहीं होगा तो जो बहुत लेडीज वो पतले वाले इलास्टिक जो डालते हैं सलवार में या फिर बच्चों के पैंट में वो भी रखती हैं, मैं भी जैसे सिलाई के अपने जो किट है मेरी उसमें रखती हूँ, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे ऐसे काट के और सिलाई करके उसको उसमें लगा सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है आपके पास। तो कुछ नहीं करना है, आपको इसमें लगाना है ऐसे आराम से, थोड़ा सा इसको आप लगाते टाइम थोड़ा सा हल्का हल्का सा जैसे चूना डालते हैं पेस्ट डालते हैं वैसे कर दीजिएगा, तो थोड़ा सा इसकी फिनिशिंग और जो आपके फेस पे बैठेगा अच्छे से। तो इधर भी डाल दिया हमने, और आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा हाइजीन है अगर हम ऐसे कर लिए और उसके बाद ये रेडी हो गया हमारा मास्क। अभी मैं लगा के भी आपको अपने फेस पे दिखाऊंगी इसको कैसे मैं यूज़ करती हूँ। इसका फ़ायदा एक ही होता है कि इसको जैसे मान लीजिए मैंने खोल दिया,
देख लीजिए, अब इसको वॉश कर दिया, सैनिटाइज कर दिया, हवा में भी डाल देंगे तो सूख जाएगा और फिर से हमारा नया मास्क रेडी हो जाएगा। और हमारे बजट में है, मैं मैक्सिमम ट्राई करती हूँ कि वही चीज़ें आप लोगों के लिए लाऊं जो बजट में हो और फिर भी काम की हो। तो इसलिए, और मान लीजिए आपके पास हैंकी नहीं है तो, या फिर ऐसे भी लोग देख रहे हो जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैंकी या फिर मास्क, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर में कॉटन की साड़ी होगी, मलमल की साड़ियाँ होती हैं, या फिर कॉटन का दुपट्टा, कुछ भी कॉटन का हो उससे आप ये बना सकते हैं और कंफर्टेबल रहेगा, और जब चाहे तब आप निकालिए। और जिसके, सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि जिसके लिए जो बनाइए उस पर उसके नाम का पहला अक्षर लिख दीजिए, जो कि पता चल जाए कि किसने किसका मास्क यूज़ तो नहीं किया है किसी ने। और वीडियो रेगुलर बस जल्दी ही आने लगेंगे, और वो भी फेस के साथ। बस आज एक दो वीडियो एडजस्ट कर लीजिए बिना फेस के। मैं अभी लगा के आपको एक मिनट दिखाती हूँ, एक सेकेंड वेट करिए। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस ये वाला रबड़ इस कान में डालना है और ये वाला दूसरा वाला रबड़ इस कान में डालना है आपके, और ये मास्क आपका रेडी हो गया। और आप जब चाहे तब इसको निकाल सकते हैं और निकाल के वॉश कर सकते हैं, और एकदम हाइजीन कंफर्टेबल भी रहता है, मेरे हिसाब से कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि जो हैंकी लग के हम यहाँ पे बांधते हैं वो जो है थोड़ा उतना कंफर्टेबल नहीं लगता है मुझे। तो ये रही आज की वीडियो, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।